क्या अमरीश पुरी का चर्म होगा मिस इस बार? किसे लेंगे राजीव राय विलन के रोल में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। त्रिदेव ये 1989 की एक हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो उस टाइम की सुपरहिट फिल्म थी। इसे डायरेक्ट किया था डायरेक्टर राजीव राय ने। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ की कमाई की थी जो उस टाइम के हिसाब से 300 करोड़ के बराबर है। और अब जल्द हमें इसका सीक्वल देखने को मिलेगा। त्रिदेव राजीव राय की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है जिसका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अमरीश पुरी के बिना कैसे बनेगी ये फिल्म? क्या उनका चर्म फिल्म में मिस होगा? चलिए आपको बताते हैं। जैकी श्रॉफ और सनी देओल की सबसे हिट मूवीज की बात की जाए तो वो थी 1989 की फिल्म त्रिदेव। इस फिल्म ने तभी सबका दिल छू लिया था। इस फिल्म के सभी एक्टर्स को लोग बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ ही इस फिल्म के गाने भी उस टाइम पे बहुत हिट हुए थे और लोग आज भी उन गानों को पसंद करते हैं, बल्कि कुछ गानों पर तो रीमेक भी बना चुके हैं बॉलीवुड में, जैसे कि गली गली में फिरता है और गाजर ने किया है इशारा, जो आजकल लोग सुनते हैं। उसके साथ ही लोगों को किरदार भी बहुत अच्छे से याद है, वो थे भैरव सिंह, जो किया था अमरीश पुरी ने। भले ही ये किरदार नेगेटिव था, तभी लोगों ने उनकी एक्टिंग स्किल्स और काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया था। और क्योंकि अब फिल्म का सीक्वल आने वाला है, इसीलिए लोग उनके इस किरदार को फिल्म में बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और कुछ लोगों का तो कहना है कि उनके बिना इसका सीक्वल बनना इम्पॉसिबल है। और अब आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि कौन होगा इस बार विलन के किरदार में, किसे लेंगे राजीव राय विलन के रोल में? चलिए आपको बताते हैं। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्क्रिप्टिंग और कहानी पर पूरा काम चल रहा है। उसके साथ ही थोड़ी बहुत फिल्म की कास्टिंग पर भी काम शुरू हो चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार प्रकाश राज, गुलशन ग्रोवर, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, इन नामों को मेकर्स ने अप्रोच किया है फिल्म के लिए, और इनमें से ही कोई एक दिखेंगे हमें फिल्म के विलन के रोल में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जस्टिस दे पाए अमरीश पुरी के कैरेक्टर को। आप किस कैरेक्टर को देखना चाहेंगे विलन के रोल के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।